हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द टी प्लांट जनरल ओरिजिन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर दैट बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द टी प्लांट कल्टीवेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्टीवेशन ऑफ द टी। जो कल्टीवेशन है टी प्लांट का, दैट इज थ्रू द बडिंग, सीड फॉर्मेशन, बाय द लेयरिंग और बाय द ग्राफ्टिंग। किसी भी मेथड से सीड आप यूज कर सकते हो, ग्राफ्टिंग कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो, या फिर बड की हेल्प से न्यू जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस सीड लेयर एंड बड आर प्रिपेयर्ड बाय द पेरेंटल प्लांट बॉडी। जो कल्टीवेशन है टी प्लांट का, दैट हैव बीन टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। वन इज प्रूनिंग एंड सेकेंड इज प्लकिंग। ओके, प्रूनिंग दैट इज द मेंटेनिंग ऑफ शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन सीड्स आर ग्रोन, देन आफ्टर ए वन मंथ, जैसे एक महीने के बाद में स्मॉल सीडलिंग्स आर अपीयर एंड देन आफ्टर दे आर ट्रांसफर टू द गार्डन एट द टाइम ऑफ वन ईयर। ठीक है, जैसे फर्स्ट आप जो भी सीडलिंग ग्रो करवा रहे हो उनको गार्डन के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, और एक साल के बाद जब जो प्लांट है वो बुशी अपीयरेंस में, यानी कि 5 to 6 centimeter हाइट तक आ जाता है, तो उसके बाद उसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है जो भी उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसको कट कर देते हैं। तो अपर जो टॉप है वो वाइड कर देंगे, कटिंग की हेल्प से कट कर देंगे, और जो टॉप है वो आपकी वाइड हो जाएगी। दैट इज द प्रूनिंग। तो जो प्रूनिंग है वो एक साल के बाद स्टार्ट होती है और 4 साल तक लगातार ऐसे ही प्रूनिंग करते हैं। जो फिफ्थ ईयर है उसके अंदर नेक्स्ट जो लेवल है, दैट इज द प्लकिंग। ठीक है, वो स्टार्ट होता है। तो 4 साल तक फर्स्ट प्रूनिंग होगी, उसकी शेप को मेंटेन करके रखेंगे, बार बार कटिंग करते रहेंगे ताकि ग्रोथ बेटर हो। ओके, देन जो प्लकिंग है, प्लकिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो टिप पोर्शन है मेनली, उसको हैंड पिकिंग से या फिर मशीन की हेल्प से उनको निकाल लेते हैं प्लांट से। ठीक है, तो उसके लिए लेबर चाहिए या फिर मशीन चाहिए। तो एक दिन में अगर कोई भी प्रोफेशनल लेबर है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो एक दिन में अबाउट 50 to 56 kg जो प्लकिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जो प्लकिंग है मीन्स तोड़ना, सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो छोटे छोटे लीव्स हैं जो बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होंगे उनको तोड़ना है। ठीक है, तो वो जो प्लकिंग है दैट में इन्वॉल्व गोल्डन टिप, बिल्कुल जो बड की फॉर्म में हो, ऑरेंज पिकोए जो आपकी स्मॉल लीफ होंगी। ठीक है, मतलब बड से जस्ट ओपन हुई हो, पिकोए जो आपके फर्स्ट लीफ होते हैं, पिकोए स्विचोंग सेकेंड लीफ, स्विचोंग थर्ड लीफ एंड कॉन्ग्यू 4th to 5th leaf। ओके, जो ये रेंज है, जैसे गोल्डन टिप हम प्लक कर रहे हैं जो बड की फॉर्मेशन होगी, तो इसके अंदर जो टेनिन है, एल्केलोइड जो कंटेंट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेनिन जो होगा दैट इज द एल्केलोइड दैट इज एक्सट्रैक्टेड और यूज्ड फॉर द टी फॉर्मेशन। तो जो टेनिन कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होता है आपकी गोल्डन टिप के अंदर। तो जितनी आप यंग बड को कलेक्ट करते हो टी फॉर्मेशन के लिए, उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी टी की। ठीक है, तो जो गोल्डन टिप है इसके अंदर क्या आपके 25% टेनिन प्रेजेंट होता है। इससे नीचे अगर आप लेते हो, जैसे ऑरेंज पिकोई है, यानी कि जस्ट स्मॉल लीफ दैट अराइज फ्रॉम द बड। ठीक है, तो स्मॉल लीव्स ले रहे हो तो 23%, पिकोई अगर आप ले रहे हो 21% टेनिन, पिकोई 14%। तो इस तरह से जितना आप
नेक्स्ट लेवल ले रहे हो, जितने आप मेच्योर लीव्स ले रहे हो उतना ही टैनिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, टैनिन परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी और क्वालिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। दिस इज द कल्टीवेशन ऑफ द टी प्लांट। आफ्टर दैट हाउ वी प्रिपेयर द टी फ्रॉम द यंग लीव्स। जो भी हम लीव्स ले रहे हैं, चाहे वो आप बड की फॉर्म में ले रहे हो, स्मॉल लीव्स ले रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लीव्स ले रहे हो, तो जो भी आपने लीव्स हैं वो प्लक किए हैं, तो उनसे आप टी प्रिपरेशन कैसे करते हो, कैसे आप चाय को बनाते हो, ठीक है। चाय घर में बनाना नहीं, मीन्स चाय के लिए जो मटेरियल है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो किस तरह से प्रिपेयर करते हो। तो जो प्रिपरेशन है टी की, तो कमर्शियली अगर आप देखते हो तो आपकी फोर टाइप की टी प्रेजेंट होती है, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है, उलोंग टी, और लास्ट में आती है आपकी ब्रिक टी। तो जितनी आप ये ले, जैसे ब्लैक टी ले रहे हो, दैट हैविंग द हाई क्वालिटी टी, ग्रीन टी जो आपकी सेकंड रेंज में आती है, सेकंड क्वालिटी रेंज टी, उलोंग टी अमेरिकन इसको मोस्टली जैसे यूज करते हैं और उनको बहुत पसंद होती है ओलोंग टी, जिसमें जो टी है वो ऑलमोस्ट ब्लैक टी के ही जैसे प्रिपेयर की जाती है, बस जो फर्मेंटेशन है वो हाफ होती है, यानी कि अनकम्प्लीटेड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। ब्रिक टी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच गया आपके, छोटे छोटे मटेरियल्स जो आपके बच गए टी फॉर्मेशन के बाद में, जिसको आप बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं ना, चूरा बच गया या एक्स्ट्रा वेस्ट जो भी है, ठीक है, तो उससे जो टी प्रिपेयर की जाती है उसको आप बोलते हो ब्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ब्लैक टी कैसे प्रिपेयर की जाती है, जो कि हाई क्वालिटी टी है। तो उसके लिए सबसे पहले आती है विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है ड्राइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। जो भी लीव्स प्लांट से प्लग किए, तो उनको क्या करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जाता है और ओपन स्लैब के ऊपर उनको रख दिया जाता है। उसके बाद जो हॉट एयर है या डायरेक्ट सनलाइट है, तो उससे उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। तो ड्राई जब करते हैं तो ड्राइनेस, जैसे हॉट एयर है या फिर सनलाइट उसको मिल रही है डायरेक्ट, तो उसके वजह से जो लीव्स हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट है वो अबाउट 10-15% ही रहेगा, बाकी जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। देन जो ड्राई लीव्स हैं, दैट गोज फॉर द रोलिंग मशीन के अंदर उसको डालते हैं, ठीक है, और इससे एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो एल्केलॉइड है, दैट इज द थियोफ्लेविनिन और थियोरुबिजिनिन। तो ये जो एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट हैं, ये रोलिंग से निकालते हैं, ठीक है, रोलिंग मशीन के अंदर ड्राई लीव्स को डालते हैं और जो एल्केलॉइड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये आपके एल्केलॉइड्स हैं, उनको फिर जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, कैचिंग, ठीक है, कैचिंग 25% उसको लेते हैं और मिक्स कर देते हैं एल्केलॉइड्स के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, जो आपके एल्केलॉइड हैं उसको कैचिन के साथ में मिक्स कर देंगे, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनाएगा आपका थियोफ्लेविन और थियोरुबिजिनिन, ठीक है। देन आफ्टर द रोलिंग, इसके अंदर जब जैसे रोल करते हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो और भी डिक्रीज हो जाता है, 10-15 के बजाय वो 3-4% ही बचता है। उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए ओपन जो रूम होगा, और उसके अंदर मतलब जैसे ये नहीं कह सकते ओपन, बल्कि ब्लैंक हम बोलेंगे, ब्लैंक रूम के अंदर जिसमें डार्कनेस होगी, तो वहाँ पे हम जो रोलिंग लीव्स हैं, रोलिंग की वजह से वो बिल्कुल जैसे सॉफ्ट और फ्लफी हो जाते हैं, मॉइस्चर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उनको हम फर्मेंटेशन के लिए 2-6 आवर के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो डार्क फर्मेंटेशन यहाँ हम करते हैं, तो फर्मेंटेशन के बाद में उनको हम ड्राई अप करेंगे, ठीक है। ड्राई कैसे करेंगे, हॉट एयर से या फिर
हाई टेम्परेचर से, ठीक है। तो 55 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रखते हैं तो 30-40 मिनट्स के लिए रखेंगे, और लास्ट के अंदर जैसे ड्राई हो गए उसके बाद लास्ट जो टाइमिंग होगी कुछ जैसे सेकंड या एक मिनट के लिए हम उसको 80-90 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई अप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फायरिंग भी बोल सकते हैं, फायरिंग मीन्स उसको बिल्कुल जलाना या फिर बिल्कुल ड्राई अप करना, जो जितना भी मॉइस्चर रिमेनिंग था फर्मेंटेशन के बाद में 2-3% वो भी ड्राई हो जाए, ठीक है। देन सॉर्टिंग टी ग्रेड्स, जो भी हमारी लीव्स से एक्सट्रैक्ट आ रहा था, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद में जो भी एक्सट्रैक्ट आया, ठीक है, उसको ड्राई कर लिया, तो उस ड्राई मटेरियल को, ड्राई कंपाउंड जो हमारे पास आया उसको हम अलग अलग नेमिंग कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, थोड़े लार्ज पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, और लार्ज हैं हाई क्वालिटी जिसकी है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो अलग अलग सेपरेशन के बाद में हम उनको नाम देते हैं, उनकी ग्रेडिंग देती हैं कि ये हाई ग्रेड की टी है, ये लो ग्रेड की है, ये बिल्कुल ही लो ग्रेड की है। तो ग्रेडिंग और नेमिंग देंगे, जो ग्रेड आ रही है उसी के बेसिस पे हम उनको नेमिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर नेमिंग ब्लेंडिंग इज स्टार्ट, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जो डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट ग्रेड की जो टी फॉर्मेशन हुई उनको मिक्स करके और एक इक्वल या फिर ये कह सकते हो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। जैसे आपके स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज और मीडियम पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके और एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के अंदर शेप आउट कर देंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ से आपकी आ जाएगी जो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होगा, दैट इज द ब्लैक टी, ठीक है। कॉमर्शियली हाई क्वालिटी की होती है और मोस्ट ऑफ इसको हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जो ग्रीन टी है सेकंड टाइप जो आपकी आती है, ये ब्लैक टी से थोड़ी सी ही क्वालिटी में लो होती है, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपके जैसे ये सारी प्रोसेस नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आपकी हीटिंग होती है, रोलिंग होती है और ड्राइंग होती है। रोलिंग ड्राइंग जो ब्लैक टी के अंदर आती है सेम होती है, हीटिंग में थोड़ा सा जो हीटिंग प्रोसीजर है, जैसे यहाँ पे आप पहले विदरिंग कर रहे थे उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद दोबारा से ड्राई अप कर रहे थे, तो डबल डबल ना करके एक ही टाइम पे उसको कम्प्लीटली ड्राई किया जाता है, उसके बाद रोलिंग करेंगे और फिर जैसे फर्स्ट हीटिंग देंगे फिर रोलिंग करेंगे और उसके बाद लास्ट में आपका कम्प्लीट ड्राइनेस, ओके। अगर आप ओलोंग टी ले रहे हो, जो अमेरिकन्स हैं वो इसको मोस्ट फेवर करते हैं, वो लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेमी फर्मेंटेड टी होती है, जो प्रोसीजर है ओलोंग टी फॉर्मेशन का वो सेम आपके ब्लैक टी की तरह से ही है, ठीक है। बस यहाँ पे आती है आपकी फर्मेंटेशन, जो ब्लैक टी है वो कंप्लीट फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट आता है, और जो ओलोंग टी है ये आपकी हाफ परमेंट फर्मेंटेशन यानी कि सेमी फर्मेंटेशन जिसको आप बोलते हो, कंप्लीट नहीं हो पाती फर्मेंटेशन प्रोसेस, उससे पहले ही उसको एक्सट्रैक्ट करके ड्राई अप कर लेते हैं, तो उससे आपकी प्रिपेयर होती है ओलोंग टी। जो ब्रिक टी है इसमें क्या होता है, जो भी जैसे हम ये मानते हैं कि जो वेस्ट मटीरियल हो गया, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे, ठीक है, लिव्स के, तो उनको हम लेके और जैसे फैक्ट्रीज के अंदर उनको लेके और राइस पेस्ट के साथ में उसको मिक्सअप कर देते हैं और उसके बाद उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द ब्रिक टी, ठीक है। मीन्स लीव्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको वेस्ट बोल सकते हैं उनको राइस पेस्ट के साथ मिक्स करके और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और उसके बाद उनकी छोटी छोटी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आपके जैसे प्लेट के अंदर जो क्यूब्स बनी होती है उनके अंदर डाल के और उनकी ब्रिक तैयार करते हैं, ठीक है, क्यूब तैयार करते हैं, दैट इज द ब्रिक, ओके। एंड दिस टी हैव बीन लोवेस्ट क्वालिटी, ओके। अगर इंडिया के अंदर जैसे आप बात करते हो तो दार्जिलिंग के अंदर जो टी है जो ग्रो करवाई जाती है टी, उसकी क्वालिटी हाई होती है, बट दैट हैविंग लो यील्ड, यील्ड उसकी लो है लेकिन क्वालिटी बहुत हाई होती है, स्पेशल टी होती है, ठीक है। तो कभी आप दार्जिलिंग साइड जाएं तो वहाँ की चाय जरूर ट्राई करें। सो दिस इज अबाउट द कल्टिवेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द टी, होप यू गाइज लाइक इट।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़ इंफॉर्मेशन. थैंक यू.